अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास फोर बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर सिक्स अबाउट वाटर एंड पावर वी कम्प्लीटेड द चैप्टर और आज हमने करने हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास राइट अबाउट द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इन पाकिस्तान अब वो आपसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान में कौन से फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं यानी कि से फ्रेश वाटर लिया जा सकता है अगर आपको रिक्वायर्ड हो सो द सोर्सेज ऑफ वाटर इन पाकिस्तान आर द फर्स्ट वन इज रेनफॉल यानी कि बारिश देन वेल्स यानी कि कुएं ट्यूबवेल्स सोलर पंप्स यानी कि सोलर लाइट से चलने वाले पंप्स एंड सो इन टोटल देर आर सिक्स वाटर अगर आपको फ्रेश रिक्वायर्ड हो वी अबाउट रेनफॉल वेल्स ट्यूबवेल्स सोलर पंप डैम्स एंड बेराजेस क्वेश्चन नंबर टू इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ वेल एंड अ ट्यूब वेल अब उसने आपसे पूछा है कि आप डिफरेंस बताओ बिटवीन अ वेल एंड अ ट्यूब वेल तो हम पहले बात कर लेते हैं दैट वॉट इज अ वेल अ वेल इज अ लार्ज होल डग इन द ग्राउंड टू ऑबेन वॉटर फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज सो वॉट इज अ वेल इट इज अ लार्ज होल एक बड़ा सा होल डग इन द ग्राउंड जो कि किया जाता है ग्राउंड में जमीन में टू ऑबटेन वॉटर फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज ऑप्टेन हम कहते हैं हासिल करने को सो इट इज अ लार्ज होल डग इन द ग्राउंड टू ऑपटेन वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज यानी कि जेरे जमीन जो पानी है वो इस्तेमाल किया जाता है कुएं में सो वंस अगेन अ लार्ज होल डग इन द ग्राउंड टू ऑपटेन वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज एंड वॉट इज इट इट इज अ वेल नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अ ट्यूबवेल

और पानी निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ दीस पंप्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थ्री। नेम सम ऑफ द वेज इन विच वाटर इज स्टोर्ड अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप कुछ ऐसे वेज बताओ यानी कि तरीके बताओ जिनसे पानी स्टोर किया जाता है सो वाटर इज स्टोर्ड इन डैम्स बिल्ट ऑन अपर पार्ट्स ऑफ रिवर तो वाटर कहां पे स्टोर किया जाता है इट इज स्टोर्ड इन डैम्स एंड वेयर आर डैम्स बिल्ट दे आर upper पार्ट ऑफ रिवर बिल्ट मतलब कहाँ बनाए जाते हैं तो दे आर बिल्ट river. अपर is वाई सो यानी कि हम उनको अपर पार्ट ऑफ रिवर पे क्यों बनाते हैं क्योंकि वहां पे पानी का प्रेशर ज्यादा होता है और कोई भी डैम चलाने के लिए या उसकी वर्किंग के लिए ये जरूरी है कि पानी का प्रेशर काफी ज्यादा हो इसीलिए अपर पार्ट ऑफ रिवर पे डैम्स बनाए जाते हैं इसके अलावा डैम्स का ये भी फंक्शन होता है कि वो पानी की मूवमेंट को उसके फ्लो को और उसके प्रेशर को मैनेज करते हैं इसीलिए उन्हें दरिया के उतले हिस्से में बनाया जाता है यानी कि अपर पार्ट पे बनाया जाता है टैंक्स आर आल्सो यूज फॉर स्टोरिंग वाटर इसके अलावा आजकल टैंक्स भी बनाए जाते हैं बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जो के बनाए जाते हैं ताकि उनमें पानी स्टोर किया जा सके अगर बारिशें हों पहले सिर्फ डैम्स एंड बैराज की बात थी लेकिन अब टैंक्स भी यूज किए जाते हैं और अब यह भी कहा जा रहा है कि घर बनाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके घर में कोई एक ऐसी टैंकी हो जिसमें बारिश का पानी स्टोर किया जा सके ताकि लेटर ऑन अब वो पानी बर्तन धोने के लिए या नहाने धोने के लिए या कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सको हाउ वुड यू डिस्क्राइब एन इंडस्ट्रियल कंट्री आप एक इंडस्ट्रियल कंट्री को कैसे डिस्क्राइब करोगे उसको क्या डेफिनेशन दोगे एन इंडस्ट्रियल कंट्री गुड्स यूजिंग इट्स ओन पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज सो वॉट इज एन इंडस्ट्रियल कंट्री हम एक ऐसी कंट्री को इंडस्ट्रियल कंट्री कहते हैं जो कि अपनी गुड्स प्रोड्यूस करती है प्रोड्यूस गुड्स प्रोड्यूस का मतलब होता है बनाना यूजिंग इट्स ओन पावर अपनी पावर रिसोर्सेज को यूज करते हुए एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो उसकी कुदरती रिसोर्सेज है उनको यूज करते हुए जो कंट्री गुड्स प्रोड्यूस करती है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल कंट्री सो पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि नेचुरल गैस हो गई इसी तरह हमारी कंट्री में कोल है और इसी तरह जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हुए जो हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं इस वजह से हमें एक इंडस्ट्रियल कंट्री भी कहा जाता है अब वो आपसे पूछ रहा है कि पाकिस्तान अपनी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेता है सो पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटीरियल फाउंड इन द कंट्री तो पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज कहां से लेती हैं रॉ मटीरियल्स हम वो रॉ मटीरियल यूज़ करते हैं जो कि हमारी अपनी कंट्री में मौजूद हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है मैंने ड्यूरिंग द चैप्टर भी आपको बताया कि अगर किसी कंट्री में रॉ मटेरियल्स ना हो और उन्हें दूसरी कंट्री से मंगवाना पड़े तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है लेकिन अगर आपकी अपनी कंट्री में रॉ मटीरियल मौजूद हैं तो ये आपकी इंडस्ट्रीज़ के लिए आपकी फैक्ट्रीज़ के लिए आपके कारखानों के लिए एक अच्छी बात होती है क्योंकि फिर जो प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल्स का उनको रिफाइन करने का वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है एज कंपेयर टू द प्रोसेस अगर आपने रॉ मटेरियल्स किसी दूसरे मुल्क से मंगवाने हैं क्योंकि फिर आपको वो अमाउंट भी पड़ेगी जो दूसरे मुल्क से रॉ मटेरियल अपने मुल्क में इम्पोर्ट करने पर पड़ती है तो अगर आप रॉ मटेरियल्स के मामले में रिच हो यानी कि आपकी कंट्री में रॉ मटेरियल्स की एक बड़ी अमाउंट मौजूद है तो ये आपकी कंट्री के लिए एक बहुत फायदेमंद बात है तो पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल्स यूज करती हैं जो कि हमारी अपनी कंट्री में मौजूद है नेम द असेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडस्ट्री यानी कि कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए असेंशियल रिक्वायरमेंट्स जरूरी चीजें क्या है असेंशियल हम कहते हैं ज़रूरी को रिक्वायरमेंट्स हम कहते हैं वो चीजें जो कि Required होती चाहिए होती होती हैं, हैं। चाहिए चाहिए उसके लिए चाहिए होती है power supply. इसके अलावा पानी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड रॉ मटीरियल और जिनकी हमने पहले भी बात की नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन वाई इज वॉटर इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री अब वो आपसे पूछ रहा है कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए पानी क्यों जरूरी होता है इज इम्पोर्टेंट सो वॉटर इज इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्री एज इट इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ मोस्ट गुड्स तो वॉटर इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड ये चाहिए होता है इन द प्रोसेसिंग ऑफ मोस्ट गुड्स प्रोसेसिंग हम कहते हैं किसी भी प्रोसेस को चलाना कोई भी प्रोसेस जो कोई चीज बनाने के लिए चलाया जाता है या यूज किया जाता है उसमें हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स पानी भी रिक्वायर्ड होता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इसीलिए वाटर इज एन इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज वॉट काइंड ऑफ पावर और एनर्जी आर यूज इन पाकिस्तान अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वॉट काइंड ऑफ पावर जी आर यूज इन पाकिस्तान सो पाकिस्तान यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिकल फ्यूल एंड थर्मल पावर यानी कि जो मेजर फॉर्म ऑफ पावर है जो हमारे मुल्क में यूज की जाती है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पानी से बिजली बनाना फॉसल फ्यूल्स फॉसल फ्यूल्स को बर्न करना एंड थर्मल पावर और इसके अलावा हीट से जो बिजली बनाई जाती है पावर यूज की जाती है उसको हम कहते हैं थर्मल पावर सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फॉसल फ्यूल्स एंड थर्मल पावर आर द फॉर्म्स ऑफ पावर दैट आर यूज इन आर कंट्री बट देर आर अदर फॉर्म्स ऑफ पावर एज वेल जो कि हमारी कंट्री में यूज की जाती है जैसे कि बायोगैस जो कि यूज की जाती है फ्रॉम बर्निंग डंग, इथेनॉल, सोलर यानी कि सूरज की रोशनी से जो एनर्जी मिलती है एंड विंड पावर यानी कि तेज हवाओं के चलने की वजह से जो विंड मिल्स चलती हैं उससे जो पावर मिलती है दीज आर आर ऑल फॉर्म्स ऑफ पावर दैट इन कंट्री तो बच्चों पे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं अगले लेक्चर में हम करेंगे इसी चैप्टर का वर्क पेज आपने क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना है और याद करना है अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज